तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मजे में होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश का एजुकेटर और मेरा नाम है सुमित ठाकुर। और आज आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ वोकैबलरी का एक सेट। वोकैबलरी कराने वाला हूँ मैरिज से रिलेटेड। और वैसे भी शादियों का सीजन है, शादियों में आना जाना है। अगर आप लोग भी पास की किसी शादी में जाने वाले हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम भी आपके साथ जरूर नाचेंगे, गाएंगे और मौज मनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मैरिज के कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। और हो सकता है कि कई सारे वर्ड्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने वर्ड बोलूंगा और बोलने के साथ साथ आपको उस वर्ड को लिखना है और उसका मीनिंग भी बताना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, जो फर्स्ट वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दो लोग, जो शादी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और वो है दुल्हा और दुल्हन। कई सारे लोग कहते हैं दुल्हे को ब्राइड ग्रूम, लेकिन रियलिटी में ब्राइड ग्रूम नहीं कहा जाता, दुल्हे को कहा जाता है दोस्तों ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम नहीं कहा जाता, दुल्हे को क्या कहा जाता है? ग्रूम कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है भाई दुल्हन, और दुल्हन को देखने के लिए तो सारे के सारे दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मतलब जो बंदा पेट में सॉरी प्लेट में बहुत सारा खाना भर के खा रहा था और उसको किसी से मतलब नहीं था कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो बंदा भी एक नजर उठा के दुल्हन की तरफ देख लेता है कि भाई दुल्हन कैसी है, उसके बाद जो जोड़ा है वो कैसा है। ठीक है, सबकी नजरें होती हैं, सारे के सारे जो वरमाला वाली जो सेरेमनी होती है, गार्लैंड सेरेमनी जो होती है, उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई दुल्हा दुल्हन को देखें साथ में कैसे हैं, और उसके बाद फिर अपने कमियां निकालने लगे कि भाई दुल्हा ज्यादा अच्छा है या दुल्हन ज्यादा अच्छी है। बहुत कम केसेस में ही पता चलता है कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे के साथ जच रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बच्चों जो आपका वर्ड है आता है वो है फेरे। जब भी हम बात करते हैं फेरों की, जो पवित्र अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं, तो उन फेरों को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है भाई उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। हाँ, मैं जब भी पूछ रहा हूँ तो उससे पहले अपने माइंड में सोच लो कि हाँ यार इसे कहा जाता है फेरे। ठीक है, तो बच्चों फेरे कहे जाते हैं वेडिंग वोज, वेडिंग वोज। ठीक है, ऐसे वोज जो है वो प्रॉमिस उसको भी कहा जा सकता है, जैसे जो कस्में खाई जाती हैं, जो 7 कस्में खाई जाती हैं शादी की, 7 वोज कहते हैं उनको। ठीक है, ऐसे फेरों को भी हम वेडिंग वोज कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बच्चों बारात। ठीक है, आप लोग कई बार बाराती बन के गए होंगे कहीं पे, तो बारात को क्या कहा जाता है? बारात में तो कई सारे लोग अलग अलग प्रकार का डांस कर रहे होते हैं, और एक डांस बहुत ज्यादा फेमस होता है बारातियों में, और वो होता है नागिन डांस। ठीक है, फिर उसके बाद एक बंदा बीन 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 भी बजाने लग जाता है, और फिर एक पर्सन जो है वो नागिन या नाग बन के डांस करने लग जाता है। तो बारात को क्या कहा जाता है भाई? बारात को कहा जाता है प्रोसेशन। क्या कहा जाता है भाई बारात को? बारात को कहा जाता है प्रोसेशन। ठीक है, चलिए आते हैं भाई अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है बच्चों रस्म। रस्म को क्या कहते हैं? जिस बच्चे को भी पता है भाई इस वर्ड को क्या कहा जाता है, तो वो साथ के साथ बताते चले। बच्चों रस्मों को कहा जाता है रिचुअल्स। क्या कहा जाता है? रिचुअल्स कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलना है साथ के साथ दोस्तों। इंग्लिश का ये सफर सुहाना हो जाएगा सुमित भैया के साथ। सुमित भैया के साथ इंग्लिश तुम्हारी सुपर स्ट्रांग होने वाली है। हर तरीके की क्लासेस चल रही हैं, तुम लोगों की प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं लाइव रात को 10 बजे इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रांग करने के लिए। तो मेक श्योर सारी क्लासेस को अटेंड करो, वीडियोस को जरूर देखो। ठीक है, इसके बाद आता है भाई माला। माला तो सबको पता होगा, माला किसे कहा जाता है भाई? माला कहा जाता है गार्लैंड को। किसको कहा जाता है माला? गार्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो भाई गार्लैंड 6 वर्ड्स हो गए हमारे मैरिज वोकैबुलरी के। और हाँ, एक टास्क भी दूंगा छोटा सा जो आप लोगों को पूरा करना है। सारे वर्ड्स कराने के बाद आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा, जिसके अंदर अपने किसी वेडिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा, जहाँ आप शादी पे गए थे। और अगर आप शादी शुदा है तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, और कॉमेंट सेक्शन में पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है बच्चों एक और वर्ड, दैट इज ससुराल। ठीक है, तो ससुराल किसे कहा जाता है दोस्तों? ससुराल कहा जाता है इन लॉज हाउस। किसको कहा जाता है? इन लॉज हाउस। किसको कहा जाता है भाई? इन लॉज हाउस, ससुराल। ठीक है, अब मायका, जो दुल्हन होती है उसका जो मायका है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों मैटरनल होम। क्या कहा जाता है? मैटरनल होम। मदर्स होम भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैटरनल होम विल बी द एक्यूरेट वर्ड। ठीक है, और इसके बाद आती है भाई विदाई। विदाई को हम क्या कह सकते हैं? विदाई को एक तो हम फेयरवेल कह सकते हैं, और फेयरवेल के अलावा अगर मुझे गुड बाय सेरेमनी कहना है तो वो भी कह सकते हैं। गुड बाय सेरेमनी भी कह सकते हैं और फेयरवेल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, चलो एक और वर्ड पे आ जाते हैं,
अगला वर्ड बच्चों क्या है? अगला वर्ड है दावत। दावत किसे कहा जाता है? दावत वैसे पार्टी को कहा जाता है, लेकिन दावत के लिए एक और अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज फीस्ट। क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप? फीस्ट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पे, जो कि हमारा 11th नंबर का वर्ड है। चलिए देखते हैं 11th नंबर का वर्ड क्या है। दोस्तों जब भी एक व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे पर्सन को प्रपोज करता है, ठीक है, शादी का जो प्रस्ताव रखता है, तो जो शादी का प्रस्ताव होता है उसको क्या कहा जाता है भाई साहब? शादी के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? शादी के प्रस्ताव को सभी लोगों को पता होगा क्या कहा जाता है भाई? प्रपोजल कहा जाता है। आजकल तो भाई बहुत ज्यादा प्रचलन में है ये शब्द, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टीनेजर्स में, ठीक है, प्रपोजल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है भाई दूसरे एक और वर्ड की बारी, और वो है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट से हटकर किसी दूसरी कास्ट के अंदर शादी कर ले तो उसको क्या कहते हैं? वो कौन सी शादी कही जाती है? दोस्तों उसको कहा जाता है इंटर कास्ट मैरिज। क्या कहा जाता है भाई? इंटर कास्ट मैरिज कहा जाता है, इंटर कास्ट मैरिज कहा जाता है, ठीक है। चलो एक और वर्ड पे आ जाते हैं भाई। दो वर्ड है वैसे तो, लेकिन हिंदी में एक ही वर्ड है, मंगेतर। अब मंगेतर भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मंगेतर किसे कहा जाता है? जैसे आपकी एंगेजमेंट हो गई है, सगाई हो गई है, तो आपकी जो होने वाली वाइफ है वो अभी आपकी क्या बन गई है? मंगेतर बन गई है, ठीक है। तो अगर लड़का मंगेतर है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फियांसे, और अगर लड़की मंगेतर है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फियांसे, ठीक है। ये मेल्स के लिए यूज होता है या फीमेल्स के लिए यूज होता है, इसको ध्यान रखिए, बस एक ई का फर्क है। समझ में आ गई बात? चलो भाई एक और वर्ड पे आ जाते हैं दोस्तों, पत्नी। ये तो बहुत 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 ज्यादा आसान है। पत्नी को क्या कहते हैं दोस्तों? पत्नी को कहा जाता है वाइफ। पति को क्या कहा जाता है? पति को कहा जाता है हस्बैंड। भाई उनके बच्चों को क्या कहा जाता है? चिल्ड्रन। ओके एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो लड़के शादी करने वाले हैं वो तो बड़े खुश हो जाएंगे भाई इस वर्ड से। तो साली को क्या कहा जाता है भाई? साली को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? दैट इज साली, दैट इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। क्या कहा जाता है भाई? सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, ठीक है। उसी जगह साले को क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ। ये रिलेशन में आ गए दोस्तों, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। बताओ भाई एक्साइटेड थे इस वर्ड के लिए है? चलो भाई अगली क्वेश्चन, अगले वर्ड की बात करते हैं दोस्तों। जो सगाई की अंगूठी होती है, जो सगाई की अंगूठी होती है, जो लड़का लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वेडिंग रिंग। क्या कहते हैं भाई साहब? वेडिंग रिंग कहते हैं, ठीक है। इजी इजी वर्ड्स हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो माइंड से निकल जाते हैं, और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं हो पाती है, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो अच्छे तरीके से, तो उसका रीजन ये है कि समय पे वर्ड्स माइंड में आते ही नहीं है और हम ट्राई भी नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए जब भी आप लोग किसी शादी को विजिट करने के लिए जाने वाले हैं तो वहां पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करिए, ठीक है। जब भी आप लड़के से मिलेंगे और लड़के को देखेंगे और उसके बाद आपको लड़का अच्छा लगता है, लड़की अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसके बाद किसी को बोलो कि द ग्रूम इज रियली वेरी हैंडसम, द ब्राइड इज रियली प्रिटी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स को यूज करो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा भाई। कई बार शादियों में आप गिफ्ट के साथ गुलदस्ता लेके जाते हैं, तो गुलदस्ते को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुलदस्ते को कहा जाता है बुके। क्या कहा जाता है? बुके। और ये वर्ड ध्यान से नोट कर लेना, इसकी स्पेलिंग में कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। एक और वर्ड आ गया बच्चों, घूंघट। लड़की जो है वो घूंघट रखती है अपने सर के ऊपर, तो घूंघट को इंडियन मैरिज वेडिंग्स में क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हील। ये WHEEL नहीं है भाई, VEIL, व्हील है। व्हील का मतलब होता है घूंघट, ठीक है। शादी की जो ड्रेस होती है उसको क्या कहते हैं? बड़ा आसान है भाई साहब, वेडिंग ड्रेस कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना, वेडिंग ड्रेस कहेंगे। तो ये अभी तक हमारे 22 वर्ड्स हो चुके हैं, और उसको एक जगह पे नोट कर लो, हेडिंग डाल देना मैरिज वोकैबुलरी, और उसके बाद नोट करते रहना सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। चलो भाई एक और, 22 के बाद 23 नंबर पे भाई साहब, कई बार आपने देखा होगा जो लड़की होती है उसके साथ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो हमेशा उसका ध्यान रखती है, उसकी सारी नीड्स को पूरा करती है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं ब्राइड्स मेड। क्या कहते हैं भाई? ब्राइड्स मेड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लड़के के साथ वैसे बहुत कम होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कोई था नहीं, लेकिन अगर फिर भी रहते हैं तो उसे हम कहते हैं बेस्ट मैन। लड़के के साथ जो मेन बंदा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बेस्ट मैन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। इसके बाद बच्चों कुछ वर्ड्स पे और आ जाते हैं। देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज सगाई। सगाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? सगाई को कहा जाता है एंगेजमेंट। सगाई को कहा जाता है एंगेजमेंट, ठीक है। सगाई के बाद आ जाता है बच्चों एक और वर्ड, दैट इज पंडाल। जो पूरा का पूरा पंडाल लगाया जाता है, टेंट लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं माकवी।
ठीक है, क्या कहते हैं, मार्क्यू कहते हैं, MARQUEE। ठीक है, अगला एक और वर्ड है बच्चों, मंडप। मंडप जहां पे फेरे लिए जाते हैं, मंडप को कहा जाता है दोस्तों कैनोपी। मंडप को क्या कहते हैं भाई, कैनोपी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आता है बच्चों सात फेरे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सात फेरों की, दोस्तों हम कहते हैं सेवन मूव्स। क्या कहते हैं, सेवन मूव्स कहते हैं। ठीक है भाई, कस्मे होती हैं जो खाते हैं पति पत्नी एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगला है बच्चों मंगल सूत्र। मंगल सूत्र जिसके अंदर बन जाता है बंदा, है ना, जिसे कहते हैं वेडिंग चेन। मंगल सूत्र को क्या कहते हैं भाई साहब, मंगल सूत्र को कहते हैं वेडिंग चेन। एक और वर्ड है, लड़का लड़की के मांग पे लगाते हैं सिंदूर इंडियन वेडिंग्स के अंदर, तो सिंदूर को क्या कहते हैं, सिंदूर को कहते हैं वर्मिलियन। क्या कहते हैं भाई, वर्मिलियन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाई बराती। बराती बहुत ज्यादा नाचते हैं, है ना, इनको कहा जाता है वेडिंग गेस्ट। क्या कहा जाता है भाई साहब, वेडिंग गेस्ट कहा जाता है। 30 वर्ड्स करा दिए अभी तक सुमित भैया ने तुम्हारे को। ठीक है, एक और वर्ड पे आ जाते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट, डोली। कई बार वैसे तो आजकल होता नहीं है ऐसा, कार में जाती है, लेकिन फिर भी पहले के टाइम पे डोली में लड़की को ले जाया जाता था। तो डोली को क्या कहा जाता है, डोली को कहा जाता है बच्चों पैलेंक्विन। क्या कहा जाता है, डोली को पैलेंक्विन कहा जाता है। ठीक है, और विदाई के बारे में शायद मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जमाई को क्या कहा जाता है, विदाई के बाद जमाई को क्या कहा जाता है, जमाई को कहा जाता है सन इन लॉ। जमाई को क्या कहा जाता है, सन इन लॉ कहा जाता है। ठीक है, अदर इज वन मोर वर्ड, दैट इज बहू। बहू को क्या कहा जाता है, बहू को कहा जाता है बच्चों डॉटर इन लॉ। क्या कहा जाता है, डॉटर इन लॉ कहा जाता है। एंड वी हैव वन मोर लास्ट वर्ड, दैट इज बिचौलिया। बिचौलिया जो दो लड़के लड़की की फैमिली को मिलाता है, और उसको हम कहते हैं मैच मेकर। क्या कहते हैं भाई, मैच मेकर। तो ये हमारे वर्ड्स हैं दोस्तों, अगर किसी ने नोट नहीं किए हैं एक बार फोटो खींच लो इन वर्ड्स की। एंड आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसी तरीके से बहुत सारी वोकैबुलरी लेके आते रहूंगा, ग्रामर की प्रैक्टिस की वीडियोस लेके आते रहूंगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 क्लास में है तो उसके कॉन्टेंट की इंग्लिश की वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सुमित ठाकुर इंग्लिश, ये जो यूट्यूब चैनल है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और एंडिंग में आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जो वीडियोज है हमारी देख सकते हैं। बाकी बच्चों मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।